फ्रेंड्स, सपने ना बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए। फिर बात कर ली जाए आपकी, चाहे बात कर ली जाए मेरी, तो ना सपने हर किसी को देखना पसंद है और हर कोई चाहता है कि भाई अपने सपने पूरे होने चाहिए। सबके तरह तरह के सपने हो सकते हैं। किसी का सपना हो सकता है कि उसे कोई रैंडम गाड़ी लेनी है, किसी का सपना हो सकता है कि उसे कहीं पर्टिकुलर जगह पे घूमने जाना है, किसी का सपना हो सकता है कि उसे कोई नई तरह की डिश ट्राई करनी है। तो हर किसी के लिए अपने सपने बहुत 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 ज़्यादा। तो आज जो मैं सपने के ऊपर एक स्टोरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, वो स्टोरी है, वो सपना है एक बार प्लेन में सफर। अब गाइस, किसी भी मिडिल क्लास के लिए प्लेन में सफर करना अपने आप में बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात है। बिकॉज गाइस, आज के डेट में भी ना फ्लाइट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, और जरूरी नहीं कि हर कोई उसे अफोर्ड ही कर, या अफोर्ड कर भी सकता है तो उसे एक फ्यूचर प्रूफिंग के टाइप से संभाल के। लाइक सेम डिस्टेंस में ट्रेन का भी ऑप्शन है, फ्लाइट का भी ऑप्शन है, तो कोई भी मिडिल क्लास आदमी चीपर ऑप्शंस के साथ जाना प्रेफर करेगा बिकॉज पैसा बचाना। और इसलिए बहुत सारे सारे टाइम्स में फ्लाइट पे घूमने वाला सपना लटका जाता। तो जो आज की जो स्टोरी है ना, वो स्पेशली बेस्ड है एक प्लेन के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टिसिज्म ड्रीम ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ मेरा पूरा अटेम्प्ट ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ एक तगड़ी सी स्टोरी लेके आऊँ और उस तगड़ी सी स्टोरी का एक बहुत तगड़ा समाप्त। अब गाइस, आज का ये वीडियो ना स्पेशल बिकॉज हाल ही में मुझे एक बैड न्यूज़ मिली कि चाइना का प्लेन था वो उड़ रहा था अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक के, और उसमें तकरीबन 132 पैसेंजर्स थे जो जिनकी क्रैश होने के बाद उनकी रिपोर्ट्स आ गई है कि वो शायद जिंदा नहीं बचे हो। इंक्वायरी चार। तो जब मुझे न्यूज़ मिली ना, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, और हो सकता है आप लोगों को भी बुरा लगा ही हो बिकॉज ये एक सैड इवेंट है। तो मैंने सोचा कि इस इवेंट से लोगों के मन में निगेटिविटी ना फैले, इसलिए मैं एक पॉजिटिव स्टोरी लेके आऊँ और हम उस स्टोरी को जानेंगे। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अब तक के यहाँ तक के आ गए हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो। अब जब वीडियो को लाइक कर ही दिया है तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर। अब गाइस, स्टोरी में एक बर्ड फैमिली है, यानी एक मदर बर्ड, एक फादर बर्ड और उनके चार बच्चे बर्ड, तो कुल मिला के 6 बर्ड्स की फैमिली। अब वो लोग एक लंबा समय साथ में बिता लिए हैं, तो फैमिली के हर एक मेंबर एक दूसरे को बहुत 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 अच्छे से, और ऐसे में पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एक गंदी आदत भी नोटिस कर ली है कि उनको ये समझ में आ गया कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक गंदी आदत है कि वो बहुत जल्दी जज करें किसी को भी, तो ये आदत उनको हटानी थी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। तो पेरेंट्स ने एक बार बोला अपने बच्चों को कि अपन लोग काफ़ी समय से बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो अपन लोग इस बार एक बहुत 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 बड़े पक्षी से मिलने। अब यूजुअली किड्स तो एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भाई चलो, पेरेंट्स बोल गए अच्छी जगह है तो चल लेता है। वो लोग गए एरोप्लेन के जगह, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहते बहुत सारे बड़े बड़े प्लेन देखे, बहुत बड़े बड़े प्लेन। और फिर उनके पेरेंट्स ने बताया कि देखो, ये हम छोटे पक्षी है, ये बहुत बड़े पक्षी है, और ये बहुत ज़्यादा ऊँची उड़ान भरता है। अब छोटे बच्चों को खूब क्यूरियोसिटी की इनके बारे में जानने के बारे में, इनके बारे में समझने के बारे में। तो फिर उसके बाद में वो लोग घर गए, लाइक देख लिया, समझ लिया, बहुत मज़ा आया उन लोगों ने, और फिर वो लोग घर।
फिर बच्चों की क्यूरियोसिटी बड़ी ख़त्म ही नहीं होगी थी। तो उनने पेरेंट्स से बोला कि हमें इनके बारे में और जानने का। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें टास्क, चार बच्चे थे, चारों को अलग अलग जगह पे भेजा गया। एक को बोला गया कि आप माइनिंग फैक्ट्री में जाओ और वहाँ पर देखो कि कैसे काम होता है। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि भाई ऐसा कैसे, लाइक मैं इतने बड़े पक्षी की बात कर रहा हूँ और कहाँ ये मुझे माइनिंग फैक्ट्री पर भेज गया। तो गया वहाँ पे, उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे काम चालू थे, वहाँ पे खुदाई चालू थी, वहाँ पे मिनरल्स निकाला जा रहा था, आयरन मेटल तरह तरह के मेटल्स का काम चालू था और तरह का काम वहाँ पे चल रहा था। उसने देखा, समझा, वापस आ गया। फिर उसके पेरेंट ने उससे सवाल किए, बेटा आप गए, आपने देखा, क्या लगता है आपको, क्या इतना बड़ा प्लेन इस चीज़ से बन पाएगा? उसने बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई चांसेस नहीं है। उसने ऐसा बोल दिया पहले वाले। फिर दूसरे पक्षी को बोला गया कि बेटा अब मैं, अभी पहले वाले आपके भाई ने काम किया, सो अब आपकी बारी है, तो आप जाओ फैक्ट्री। अब उसने पूछा कि मैं फैक्ट्री में क्यों जाऊँ? तो उससे बोला गया कि देखो, पहले वाले ने जो मतलब मिनरल्स वगैरह निकले हैं वो फैक्ट्री में जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी फैक्ट्री में जाओ और मुझे देख के बताओ कि आप क्या प्लेन वैसे बन सकता है। उसने बोला ठीक है, जाके देख लेंगे। वो फैक्ट्री, और फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े पार्ट थे। सो उसने देखा कि बहुत बड़ा सा मेटल का टुकड़ा इधर पड़ा है, एक बहुत बड़ा सा मेटल का टुकड़ा उधर पड़ा है, एक बहुत बड़ा सा मेटल का टुकड़ा इधर काम कर रहा है, बहुत सारे वर्कर्स मिलकर इधर काम कर गया, ऐसे तरह तरह का काम चालू, अलग अलग तरह की चीज़ें उसने देखा। फिर उसके बाद में मैं वो घर, फिर उससे पूछा कि आपके भाई ने तो कह दिया नहीं बनेगा, अब आप बताओ कि जो उस मेटल के साथ बना तो क्या हुआ उस मेटल। तो उसने बताया कि उन मेटल को तोड़ा गया, जोड़ा गया, पेंट किया गया, रिपेंट किया गया, और इसलिए तो ये सब हुआ। फिर उसके पेरेंट ने पूछे कि क्या लगता है, क्या ये प्ले या क्या ये जो आपने देखा या समझा, तो क्या इससे उतना बड़ा प्लेन बन सकता है, क्या लगता है? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज उसका कलर अलग था, इसका कलर अलग है, और प्लस उनके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बनता है। अब फिर उसने कहा ठीक है, अब अपन तीसरे के पास जाते। अब तीसरे वाले को बोला गया कि देखो, दो लोगों ने तो बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अब आप जाओ डिज़ाइनर के पास। डिज़ाइनर नल का एक जगह बताया उसने और बोला कि अब आप यहाँ जाओ, बिकॉज ये जो फैक्ट्री के पार्ट्स अभी आपके भाई ने देखे हैं दूसरे वाले ने, वो डिज़ाइनर्स के पास जाएंगे, तो आप भी वहाँ जाओ और समझो। तीसरा वाला चला गया। अब उसके बाद में तीसरे वाले ने देखा कि डिज़ाइनर एक टेबल पे बैठ के ड्राइंग पे डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग में सेम प्लेन बना हुआ था, और वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कशन सुना। फिर वो घर आ गया तो फिर उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा आपको क्या लगता है कि क्या जो प्लेन के बारे में हम लोग, इतना बड़ा प्लेन हम देख के आए थे, क्या लगता है हो पाएगा? बच्चा बोला नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग बातें ही कर रहे हैं, उतना बड़ा प्लेन बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि उतना छोटा सा कागज़ का बना हुआ प्लेन जो उसने वहाँ पे देखा वो बड़ा, इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में चौथे वाले को असेंबली के जगह पे भेजा गया। वहाँ पर उसने देखा कि वही डिज़ाइनर नग जो थे वो लोग उस प्लेन को जोड़ के एक बहुत बहुत बड़ा प्लेन बना रहे, लाइक पार्ट्स आ गए, डिज़ाइनर्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, और चौथे वाले ने देखा कि भाई जोड़ तोड़ के बना। फिर चौथे वाले ने ये चीज़ अपने घर पे आके बताई,
घर पे आके बताई तो घर वाले के बाकी टीम बोलने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइनिंग वाला बोलने लगा कि नहीं, मैंने तो उसको उस हालत में था ही नहीं। दूसरा वाला बोलने लगा कि इतने बड़े बड़े पार्ट थे, कलर ही सेम नहीं होगा। तीसरा वाला बोला कि वो लोग तो बातें कर रहे थे तो सेम कैसे हुआ। फिर उसके बाद में ये सब हुआ। फिर उसके बाद में चौथा फिर भी आर्ग्यू करता कि नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में मैं पेरेंट ने बोला कि अब मैंने तुम लोगों को अलग अलग भेजा, अब अपन सब सब लोग एक साथ एक एक जगह पे जाके देखें क्या हो। तो लोग वही किए, पहले माइनिंग फैक्ट्री, फिर उसके बाद में मतलब पहले माइनिंग की जगह, फिर फैक्ट्री, फिर डिज़ाइनर के पास, और फिर एंड में असेंबली स्टेज। तो उन लोगों ने, फिर उनके पेरेंट्स ने उनको एक चीज़, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और वही चीज़ होगी हमारी स्टोरी का मोर। तो गाइस यार अब तक यहाँ तक आ गए हो ना तो हमारे चैनल मॉडर्न एम्पायर को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो। और अब हम फोकस करते हैं मॉरल के ऊपर। तो जो मॉरल है ना वो यहाँ पे ये है कि जस्ट बिकॉज कोई एक चीज़ एक स्टेज और उसका डेस्टिनेशन उससे बहुत अलग है, तो आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कर देना चाहिए कि ये चीज़ नहीं ही हो सकती है। इन्हें निगेटिविटी नहीं लानी चाहिए या जजमेंट नहीं देना चाहिए, बिकॉज हर बार टाइम गुजरता है और जनरली ऐसे ही होता है। बहुत सारे स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में जस्ट फेल हो जाते हैं बिकॉज उन्हें मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अपनी तरह तरह की स्टोरी शेयर करते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा बैगेज जो वो बताते हैं वो ये है कि लोग उनके स्टार्टअप पे बिलीव नहीं करते। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आप खुद अपने आप में बहुत सारे, अब हम सभी अपने अपने टाइम पे तरह तरह से मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने डिजायर्ड डेस्टिनी तक पहुँच सकें। अब वो लोग भी मेहनत करते हैं। अब अगर उनको ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसा नहीं ही हो सकता है तो ये अपने आप में गलत हो। अगर आप एक प्रॉपर एवोल्यूशन के साथ मतलब इवेल्युएशन के साथ बोल रहे तब कोई सेंस बना, बट बिना किसी सर पैर के जजमेंट करना अपने आप में बहुत गलत डिसीजन है। तो ट्राई कीजिए अगर आप कभी भी किसी एंटरप्रेन्योर से मिले या किसी से भी अपने कोई भी ऐसा आदमी जो आपके आपको लगता है कि अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है और अगर आपके पास इवेल्युएशन नहीं है तो जजमेंट वाला एटीट्यूड देना, जजमेंट बिना किसी ठोस पॉइंट्स के जजमेंट देना गलत स्टेप रहेगा। तो जरूर आप भी एंटरप्रेन्योर्स की अपने टाइप से रिस्पेक्ट कीजिए और अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो जजमेंट देगा तो जरूर ये वीडियो उसको दिखाइए, उसके साथ शेयर कीजिए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।